वीडियो में बात करने वाले हैं एक शानदार कैरियर की, और यह एक शानदार कैरियर है आपका नर्सिंग में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग कैरियर की, वो भी इंडियन आर्मी में, जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ आपको मिलेगा कंप्लीट 100% सेटिस्फेक्शन जॉब में, वर्क लाइफ बैलेंस, और इन सबसे ऊपर इंडियन आर्मी का टैग। जी हाँ बच्चों, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना चाहेंगे। आपको यहाँ पर पहले ही दिन से मिलेगा स्टाइपेंड, यानी पैसा पहले दिन से मिलना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ आपको कंपलसरी इंडियन आर्मी में जॉब भी करनी होगी, आपको एक बॉन्ड भरना होगा। अगर आप 7 दिन के बाद जॉब छोड़ते हैं तब आपको कुछ पैसा वहां पे देना होगा। अगर आप बीच में जाकर के छोड़ेंगे तब आपको और भी ज्यादा पेमेंट करना होगा, यानी कि आप बीच में नहीं छोड़ सकते। आपको जॉब भी इंडियन आर्मी में करनी है और कोर्स भी वहां से कम्प्लीट करना है, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो कम्प्लीट बातें करेंगे क्या क्या यहाँ पे आपको मिलने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सब्जेक्ट आपके होने चाहिए क्लास 12th में, और परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, कितनी फीस लगेगी, कब आप अप्लाई करेंगे, कहाँ आप अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, वगैरह वगैरह कर लेते हैं कुछ डिटेल में। यहाँ पे आप देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट जो है वो इंडियन आर्मी की तरफ से इशू किया हुआ है, ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि बीएससी नर्सिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, 2024 का है। जब भी आप अप्लाई करें इन फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड किसी भी साल में, तो उस साल आप पहले ये एडवर्टाइजमेंट जरूर पढ़ लें और यहाँ पे दी गई हर एक कंडीशन को बारीकी से देखें, हर एक पॉइंट को बारीकी से देखें, ताकि आपका एडमिशन कैंसिल ना हो जाए, आपका कैंडिडेचर कैंसिल ना हो जाए, आपका टाइम ऐसा बर्बाद ना हो और आपको किसी ढंग का दबाव महसूस ना करना पड़े। पहले कहा गया है, यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि जो लोग भी नीट क्वालिफाइड हैं 2024 के, वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। AFMS के कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे ये कोर्स होने वाला है, फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज के, और उस कोर्स को करने के बाद कंपलसरी आपने इंडियन आर्मी में सर्विस करनी होगी। अदरवाइज आप अगर एडमिशन लेने के बाद भी छोड़ते हैं तो आपने वहां पर कुछ पेनल्टी देनी होगी। ओके, विदाउट पेनल्टी आप वहां नहीं छोड़ सकते। 7 दिन तक अगर आप एडमिशन लेके रखे रहे, 8वें दिन आपने कहा हमें एडमिशन नहीं लेना, कोर्स नहीं करना, तब भी आपने कोई पेनल्टी वहां पे करनी होती है। तो बहुत ही शानदार करियर है आपके लिए ये। और उसके बाद आपको अगर शॉर्टलिस्ट किया जाता है इसके स्कोर पे बेस्ड, मतलब क्राइटेरिया यही है कि पहले आपका नीट का स्कोर देखा जाएगा। अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो आपको फिर बेस इस हॉस्पिटल आर्मी कैंट में बुलाया जाएगा, जहां पे बाकी की प्रोसेस होने वाला है। दूसरे प्रोसेस में आपको एक टेस्ट देना होगा जिसमें जनरल इंटेलिजेंस होने वाला है, यानी कि रीजनिंग का टेस्ट होगा, साथ ही साथ इंग्लिश का टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा आपका, और आपका इंटरव्यू भी होने वाला है। एक्सेप्ट दिस, आपका मेडिकल फिटनेस भी यहाँ पे चेक होगा। फिटनेस के बारे में आपको बता देते हैं कि 1.5 से 2 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए, अगर आप प्लेन के रहने वाले हैं कहीं की भी। अगर आप हिली एरिया के रहने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रहने वाले हैं, तो उसके 5 सेंटीमीटर की छूट देने के, 1.47 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए एज ए फीमेल कैंडिडेट। ओके, अगर आपकी एज कम है, 17 से 18 के बीच में आपकी एज है, तब आपको 2 सेंटीमीटर का और रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 1.5 सेंटीमीटर तक की भी अगर आपकी हाइट है तब आप यहाँ पे क्राइट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे नीट का स्कोर आप अपना देखना होगा, अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो। उसके बाद आपने इंडियन आर्मी की ये जो वेबसाइट दी हुई है इसका विजिट करना होगा, एडवर्टाइजमेंट जैसे पढ़ना होगा, और उसके बाद अपने यहाँ का तुम्हारा एक्सेसमेंट करना होगा। बाकी का काम आपका बेस हॉस्पिटल के लिए आपको बुलाया जाएगा, जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप देखेंगे कि एज ए फीमेल कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अनमेरिड हैं, अगर आप डाइवोर्स्ड हैं, लीगली सेपरेटेड हैं, या विडो विडो विदाउट इनकमबेंसेज हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया आपको होना कंपलसरी, यानी कि आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए, साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ इस पीरियड में होनी चाहिए, यानी कि आपकी एज जो है वो 17 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। कट ऑफ डेट 17 से 25 के बीच में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए, कंपलसरी आपके लिए पहले अटेम्प्ट में आप अपना के 12वीं कर लें, उसी रिकॉग्नाइज बिहार यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी या स्टेचुरी बोर्ड से आपका 10th पास होना जरूरी है, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश, इन चारों में मिनिमम 50% मार्क्स आपके आने चाहिए। इसके अलावा आपकी हाइट भी यहाँ पे कंपलसरी है कि आप
152 सेंटीमीटर की लंबाई रखती हो। साथ ही साथ अगर आप हिली एरिया को बिलोंग करते हैं 147 सेंटीमीटर की हाइट आपको चाहिए होती है। अगर आपकी एज कम है 17 से 18 के बीच में तो आपको 145 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप वहां पे एडमिशन लेंगे तो आपको फ्री राशन, एकोमोडेशन यानी कि रहने की सारी व्यवस्था, यूनिफॉर्म अलाउंस, इसके अलावा मंथली स्टाइपेंड यानी कि कुछ पैसे पर मंथ आपको मिलते रहेंगे फ्रॉम डे वन, पहले दिन से आपको मिलेंगे। इसके बाद आपको जॉब करनी है, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आप इंडियन आर्मी में एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम करेंगे। उस बीच अगर एडमिशन के 7 दिन बाद आप ये डिसाइड करते हैं कि आप एडमिशन कैंसिल कराएंगे तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने कुछ पेमेंट एज ए पेनल्टी देनी होगी बॉन्ड मनी की फॉर्म में। ओके, बात आती है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो जो भी कैंडिडेट नीट क्वालिफाइड है, नीट यूजी क्वालिफाइड है, उन्होंने यहाँ पे जाकर की वेबसाइट पर रजिस्टर करना है। ये इंडियन आर्मी की वेबसाइट है, यहाँ पे आपने रजिस्टर करना होगा अपने आप को। लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए और बाकी सारी डिटेल्स भी आपके पास होनी चाहिए। स्कैंड कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी वहां पे आपके पास होनी चाहिए जो कि आपने अपलोड भी करने होंगे। इसी बीच आप फाइनल सबमिट करने से पहले एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं रिव्यू करके, अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ गलत भरा गया है तो। इट मीन्स कि आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा रेक्टिफिकेशन के लिए, एडिट करने के लिए आप बाद का वेट ना करें, बिफोर सबमिशन ये इंश्योर कर लेंगे कुछ वहां पे गलत ना हो। की पॉइंट क्या है, ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट SC ST विल हैव टू पे रुपी ऑफ 200 एज एप्लीकेशन फी थ्रू ऑनलाइन गेटवे। SC ST कैंडिडेट को कोई भी फी पे करनी नहीं होती है, लेकिन वहां पे आपको एक कंपल्सरी डॉक्यूमेंट अपना देना होगा। इसके अलावा आपका एक ड्यू नंबर जो कि ऑनलाइन पेमेंट के होने के बाद आपको इशू कर दिया जाता है वो भी आपके पास होना चाहिए, वो मेल में भी आपको भेज दिया जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन दिया जाएगा और आपने इसको प्रिंट आउट लेकर भी रखना होगा। साथ ही साथ आपसे कहा गया है कि आप इस वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहें, जो भी अपडेट आपको इंडियन आर्मी देना चाहता है वो इस वेबसाइट के थ्रू ही देगा। पूरा शेड्यूल बताएगा कब आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए बुलाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो सभी एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी थी। इसके अलावा अगर आपको लगता है किसी पॉइंट पे आपको ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।